या रैली ड्राइवर्स जो है, ऑफ रोड रेसिंग इसको कहते हैं, मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा खेल है जो सारी दुनिया में देखा जाता है, वाइडली रिस्पेक्टेड है, बहुत अच्छा इमेज देता है मुल्कों का। उधर के बाहर के मुल्क जो हैं वो इस रैलीज के लिए लड़ते हैं कि हमारे मुल्क में आप ये करें रैलीज को, जो इंटर क्रॉस कंट्रीज होती हैं। ये पहली तारीख जनवरी के 12 दिन की रैली थी बेकार की, जो चार मुल्कों में होती थी, इस दफ़ा खाली पेरू में हुई। और मेरा मुझे जो बताया गया है अब ये वापस अफ्रीका जा रही है, जो तीन चार मुल्कों में होती। मेरा मकसद कहने का खाली ये है कि ये एक स्पोर्ट ऐसा है जैसे हमारे पास क्रिकेट है इस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये ओवरऑल वेस्टर्न वर्ल्ड, मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है और कराया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जो हमारे पास इलाके हैं, मैंने वो भी देखा और उनके लोग यहाँ पे भी आके देख कर गए, जो हमारे पास टेरेन्स हैं, जो इलाके हैं, वर्ल्ड क्लास है। इस पे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, दिखाना चाहिए, और हम अपने मुल्क का जो है इमेज वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा देखा जाता है। जब हम ये बात करते हैं बाहर के, हमारे पास आप आके रैली करें तो कहते हैं भाई पाकिस्तान में रैली कैसे हुई, जो आके देख कर गया वो हमारा एम्बेसडर बनता है, तो जाके हमारे मुल्क की बात करता है। तो हमने ये 2005-04 में जो शुरू हुआ ये सिलसिला चोलिस्तान से बढ़कर झलबंसी से बढ़ के ग्वादर हो गया है, मिट्टी में कुछ साल हुआ है, उसके बाद थल डेजर्ट रैली शुरू। मकसद कहने का ये है कि जिस इलाके में जाते हैं करते हैं, जैसे एमडी साहब ने बात की चोलिस्तान की, आप दरावड़ के लोगों से खुद जाके पूछ रहे हो या चोलिस्तान के लोगों के से कि वो क्या कहते हैं, जितना रेवेन्यू माइक्रो लेवल पे लोगों को फायदा होता है, तो सारी दुनिया में ये किया जाता है, खाली इधर नहीं, जिधर भी ऐसी ऐसे खेल किए जाते हैं इलाके में बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल दरावड़ जो हम आते थे 12 साल पहले और अभी, उसमें जमीन आसमान का फर्क। वजूहत मैं समझता हूँ एस्केलेटेड पेस पे जो हुई है बिकॉज ऑफ द चोलिस्तान रैली, ये खासतौर